रांची स्मार्ट सिटी में बन रहे मंत्रियों के बंगले आकार ले रहे हैं। एक साथ एक ही कतार में बंगले का निर्माण किया जा रहा है, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी शहनवाज ने। की राजधानी रांची के एक किनारे भले ही राजनीतिक गहमा गहमी और सियासी साजिशों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन उसी राजधानी के एक कोने स्मार्ट सिटी में मंत्रियों के लिए बन रहे बंगले आकार लेने लगे हैं। यह है रांची स्मार्ट सिटी में बन रहे मंत्रियों के शानदार बंगले। एक साथ बन रहे हैं ये बंगले, इसी में रहेंगे झारखंड के तमाम मंत्री। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे एक कतार में एक शानदार, खूबसूरत और तमाम सुख सुविधाओं से लैस बंगले बनाए जा रहे हैं। जिस कंपनी ने इसका टेंडर लिया है, वो भी समय सीमा के अंदर अपने काम को पूरा करने में लगी हुई है। स्मार्ट सिटी के अंदर पुलिस हेडक्वार्टर के ठीक सामने से इन बंगलों का एंट्री और एग्जिट पॉइंट होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दो फ्लोर का एक बंगला होगा, ग्राउंड फ्लोर प्लस उसके ऊपर का फ्लोर, जिसमें 8 की संख्या में बड़े बड़े ड्राइंग रूम्स और अंदर की लिविंग रूम्स और वो सारी सुविधाएं होंगी जो आज की दुनिया में, आज के दौर में, आज के समय में किसी भी शानदार हाउसिंग सोसाइटी में बनाई जाती हैं। खुला खुला लॉन, पार्किंग, इसके अलावा मंत्रियों के वैकल्पिक कार्यालय की वो तमाम अवयव यहाँ पर मौजूद होंगे जो अब आकार लेने लगे हैं। ज्यादा से ज्यादा 6 महीनों में ये बंगले बनकर तैयार हो जाएंगे और साथ ही साथ शहर की गुंजान आबादियों में ट्रैफिक जाम की स्थिति में रहने वाले ये तमाम मंत्री जब यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो एक तरह से शहर का लोड भी कम होगा, क्योंकि जब ये मंत्री आना जाना करते हैं तो सायरन बजता है, हूटर बजता है और जिससे पब्लिक भी नाराज रहती है। अब ये मंत्री इसी खुली हवा में, एक खूबसूरत वातावरण में यहाँ पर रहेंगे और अपना सरकारी कामकाज निपटा सकेंगे और पास मौजूद प्रोजेक्ट भवन भी आना जाना उनके लिए आसान हो जाएगा। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।